तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डरते हैं कि सेकेंड हैंड कार लेने के बाद क्या मैं हम लॉन्ग रूट पे जाए या ना जाए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, कोई नडिया जी और मैं हूं आप सबका होस्ट एंड दोस्त दीप राजपूत। फिर से आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूं शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। और शिरडी मेरे घर से अप्रॉक्स 500 प्लस किलोमीटर्स दूर है। और मेरे पास अभी मेरी पुरानी वाली शेवरोले क्रूज है जो ऑलमोस्ट उसने 12 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है। वो जहाँ तक मुझे लगता है कि उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स अभी आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं प्रॉब्लम्स बताऊँ तो मेरे गाड़ी के सस्पेंशंस थोड़े वीक हो चुके हैं, जो फ्रंट हेडलैम्प है जो डिपर है वो चल नहीं रहा, मुझे लो बीम पे गाड़ी चलानी पड़ेगी, ऐसे सारे थोड़े बहुत इश्यूज मेरी गाड़ी में है। बट फिर भी मैं आज वो रिस्क लेने जा रहा हूँ कि मैं उसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से मेरे घर से 500 प्लस किलोमीटर्स उसको ड्राइव करके ले जाऊँगा और देखूँगा कि मुझे कहीं पर वो गाड़ी तकलीफ करती है कि नहीं करती है। तो आओ चलो इस वीडियो को पूरा देखना और मैं दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ पूरे वीडियो में और मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। आने जाने का अप्रॉक्स मेरा 1100 किलोमीटर के ऊपर चला जाएगा, डेफिनेटली वो 1100 किलोमीटर के ऊपर चला जाएगा। एक रिस्क है, देखता हूँ मेरी गाड़ी मुझे सपोर्ट करती है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है बीच रास्ते में। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डरते हैं कि सेकेंड हैंड कार लेने के बाद क्या मैं हम लॉन्ग रूट पे जाए या ना जाए, और लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम रहता है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या, मतलब वो कैसे उसको टैकल करेंगे। फिंगर्स क्रॉस, मुझे भी नहीं पता कि शायद अगर मेरी गाड़ी अगर कहीं पे मुझे ब्रेक डाउन होती है तो मैं क्या करूँगा। बट ये एक्चुअली मुझे टेस्ट करना ही है, ये मेरा सेकेंड टाइम टेस्ट रहेगा। मैंने पहले भी ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर चुका हूँ। मैं ये गाड़ी में लेने के बाद एक साल के बाद मैंने ये गाड़ी को विद इन 24 आवर्स में 1200 किलोमीटर चला के यहाँ से मेरे घर से महाकालेश्वर उज्जैन एमपी में घूम के आया था, और वो भी 24 आवर्स के अंदर ही घूम के आया था। मुझे कब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट उसके बाद भी देखो वो पूरा साल चला गया है, मैंने गाड़ी का मेजर सर्विस नहीं करवाया, सिर्फ मैंने ऑयल चेंज करवाया है और कूलेंट चेंज करवाया, बस उससे ज़्यादा कुछ और चेंज करवाया नहीं है। और अभी मैं वापस उसको उतना मतलब दूर लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरा सेकेंड टेस्ट है, देखता हूँ कि ये सेकेंड टेस्ट में गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। आई होप के मुझे अच्छे से जाके लेके शिरडी साईं बाबा के दर्शन करके मुझे वापस लेके आए मेरी गाड़ी। तो आओ चलो आप भी मेरे साथ। अभी मैं अब मंदिर जाने वाली हूँ, फिर अब मिलेंगे। मैं अब मंदिर में मिलेंगे। कौन से मंदिर जा रहे हो आप? हाँ, जा रहे हैं साईं बाबा मंदिर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं वगाई के जंगल में, और अभी रात के 2:15 हो चुके हैं। और हम घर से निकले थे 9 बजे, घर से हम मेरे घर से निकले थे, मेरा घर नडियाद में, और नडियाद से हम कांस्टेंट अभी 5 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, और अभी तक हमें कहीं पर भी हमने स्टॉप नहीं लिया था, और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। 5 घंटे के बाद हम 230 किलोमीटर काट के अभी वगाई के जंगल के एंट्रेंस में आके खड़े हैं, और यहाँ पर थोड़ा स्नैक्स खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अभी तक मैंने देखा मेरी गाड़ी में ऐसा कोई ऐसा मेजर कोई इशू मुझे दिखा नहीं है, सिवा के इसके सिर्फ सस्पेंशन, जैसे मैंने बोला था कि थोड़े सस्पेंशन में थोड़ा
आवाज़ आ रहा है तो यस, सिर्फ सस्पेंशन में थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, उसके अलावा और कोई इशू लग नहीं रहा। इंजन भी नॉर्मल है, इंजन में भी कोई हीट या कोई हीटिंग ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। 12 साल के बाद भी मैं अपनी क्रूज़ के लिए रिव्यू ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब क्रूज़ का रिव्यू मैं ऐसा दे सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली दे सकता हूँ कि 12 साल के बाद भी ये अच्छी मेंटेन्ड गाड़ी है। मैंने मतलब यू नो 230-240 किलोमीटर हम काट के एक कांस्टेंट 5 घंटे से हम ये गाड़ी चला रहे हैं, बट फिर भी अभी तक ऐसा कोई हमें इश्यू दिख नहीं रहा, सिवा के इसके सस्पेंशन के, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सस्पेंशन इसके मुझे सस्पेंशन पे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ भी इंजन में या फिर इंजन नॉइज या कहीं पर भी मुझे कुछ भी इश्यू दिखा नहीं है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम 2 घंटे यहाँ पर सो गए थे और अभी हम थोड़ा बहुत मतलब फ्रेश होकर थोड़ा नाश्ता करके आगे बढ़ेंगे नासिक की ओर। चलो देखते हैं आगे क्या मिलता है। यहाँ पर फेमस रहती है मैगी और पोहा, फ्रेश पोहा, मैगी और चाय। एक प्लेट का क्या रहेगा आंटी? 40 रुपये का एक प्लेट है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप सापुतारा पे आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर आना। इनके स्टॉल का नाम है सागर फास्ट फूड और अभी मस्त गर्म गर्म पोहा बन रहा है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम पहुंचने वाले हैं शिरडी। 65 किलोमीटर अवे है और हमने अप्रॉक्स 440 किलोमीटर तक कवर कर लिया है, बट अभी तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं है गाड़ी में और ना ही तो इसका इंजन गर्म हुआ है, अभी भी इसका इंजन कूल है। पहुंचने वाले हैं गाइस, हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। अभी कल जैसे मैंने बोला था कि हम 9 बजे निकले थे अपने घर से और अभी आप देखोगे तो मैं दिखा रहा हूं, अभी देखो 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 शायद दिख जाए 12 बज के
29 मिनट, तो अप्रॉक्स 24 घंटे जितना हमारा टोटल टाइम रहा। हम नडियाद से शिरडी गए थे और शिरडी से भी वापस भी आ रहे हैं, तो हमने अप्रॉक्स लमसम 1100 किलोमीटर कवर किए ये 24 घंटे के अंदर, और हमने बीच में एक दो घंटे का होल्ड लिया था। और कांस्टेंट हमने गाड़ी चलाई है, कुछ कहीं पर भी हमने गाड़ी रोकी नहीं है सिवाय डीजल भरने के लिए, तो वो भी मैं बताऊंगा कि डीजल हमने कितने का भरा है। तो हमने डीजल दो बारी में भरा है, फर्स्ट टाइम हमने 4000 का डीजल भराया था और सेकेंड टाइम हमने 2000 का डीजल भरा है। और 6000 के डीजल में मैंने अभी पूरा 1100 से 1150 किलोमीटर अप्रोक्स 1150 किलोमीटर तक हमने सिर्फ 6000 के डीजल में कंप्लीट किया है, और अभी भी डीजल का टैंक अभी भी मुझे दिख रहा है, अभी भी 2 पॉइंट अभी बचे हैं, तो आई गेस अभी भी मैं 50-60 किलोमीटर और भी इसमें से निकाल सकता हूँ। तो आपको एवरेज भी पता चल जाएगा कि हमने कितनी एवरेज निकाली है इस गाड़ी की, और अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है सिवाय के सस्पेंशन का, जो मैंने बोला था नॉइज था गाड़ी में, सस्पेंशन के नॉइज़ के अलावा और कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ना तो उसके व्हील गर्म हुए, ना तो उसका इंजन गर्म हुआ है, कुछ भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, सिवाय कि उसका मैंने जैसे बोला था कि उसका सस्पेंशन है वही सिर्फ वीक है, तो सस्पेंशन का मैं काम करवा दूंगा। और ये एक साल के अंदर ये मेरा दूसरा ट्रिप है जो मैंने 24 घंटे के अंदर 1100-1200 किलोमीटर हमने कवर किया है सिर्फ 24 घंटे के अंदर। जब पहली बार मैं महाकालेश्वर गया था वहाँ पर भी हमने अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर कवर किया था 24 आवर्स के अंदर, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी इस गाड़ी में। और ये अराउंड 8-9 महीने के बाद फिर से मैंने ये टेस्ट किया है, तो फिर इस टेस्ट में भी मतलब अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में दिखा नहीं है सिवाय के सस्पेंशन का जो मैं करवाने वाला हूँ। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि सेकेंड हैंड कार लेने के बाद थोड़ा डर रहता है कि लॉन्ग ट्रिप पे जाए ना जाए, तो मेरा सजेशन है कि पहले एक बार इंजन चेक करवा लो। अगर आपकी गाड़ी का इंजन करेक्ट है तो आप बिंदास लेके जा सकते हो, बट अच्छे मैकेनिक से पहले इंजन चेक करवा लेना, बाकी सब कुछ तो हो जाएगा, बट विदाउट इंजन चेकअप आप लॉन्ग ट्रिप पे मत जाना। लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं चेकअप करवा के ही आता हूँ, और जब वो लोग बोलते हैं कि सर आप जा सकते हो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, तभी मैं अपनी गाड़ी लेके निकल रहा हूँ। तो गाइस ये ही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक साल के अंदर मेरा ये दूसरा ट्रिप है, जो दूसरी ट्रिप के अंदर भी हमने 1200 किलोमीटर तक ये चलाया, मतलब फर्स्ट ट्रिप में 1200 किलोमीटर था, ये दूसरे ट्रिप में 1100 किलोमीटर है, तो अभी तक मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, और सिर्फ सस्पेंशन का थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है जो मैंने बताया था, वही एक प्रॉब्लम है, और उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है नहीं गाड़ी में। ये एक वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए था कि जो लोग डरते हैं कि सेकेंड हैंड कार लेने के बाद लॉन्ग ट्रिप पे जाए ना जाए, तो उनके लिए है कि आप बेझिझक लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो, बस जस्ट मेक श्योर करना है कि आपका जो इंजन है, कार का जो इंजन है वो परफेक्टली मतलब परफेक्ट है, बाकी का कुछ भी अगर बिगड़ा होगा तो वो कुछ भी रिपेयर हो सकता है रोड असिस्टेंट में, बट अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आता है तभी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। बट अभी जैसे मैंने बोला कि ये गाड़ी में मेरा इंजन परफेक्ट है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंजन की वजह से ही मैं ये रिस्क उठा रहा हूँ और मैं जाता हूँ दूर ट्रिप पे, और उस अभी तक मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम दिखा नहीं है मेरी गाड़ी में। बट आपके लिए एक एडवाइस है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर आप दूर कोई अपनी सेकेंड हैंड कार लेके कहीं दूर ट्रिप करने का सोच रहे हो, तो मेरा एक सजेशन है कि आप बैकअप प्लान के साथ जाना। बैकअप प्लान इन द सेंस कि आप माइंड सेट ऐसे करके जाना कि अगर कहीं पर भी अगर आपका गाड़ी बिगड़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो इधर वहाँ पर जो जिस लोकेशन पर जा रहे हो वहाँ पर आपके कोई पहचान वाले हो, या पहले से आप उनको बता दो कि मैं ऐसे आ रहा हूँ, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप उन लोगों की मदद ले सकते हो। और सेकेंडली कि अगर वो भी नहीं पॉसिबल तो आप एक्स्ट्रा पैसे भी अपने साथ रख सकते हो। तो एडवांस में ये सब प्लान करके जाना, और एक बार टेस्ट जरूर करना अपनी सेकेंड हैंड कार को कि ये 500-600 किलोमीटर एक कॉन्स्टेंट रनिंग में वो क्या परफॉर्म करती है, वो
हिटिंग देती है कि नहीं देती है, या फिर कोई और अदर प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, तो वो मेक श्योर करना है आप सबको। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग डर रहे हैं सेकेंड हैंड कार खरीदने के बाद उसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने के लिए। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से इंजन चेकअप करवा लो बस, और उसके बाद आप जा सकते हो कहीं पर भी। तो मेरा जनरली ऐसा रहता है कि मैं इंजन चेकअप तो मैंने बहुत पहले ही करवा लिया था कि मेरे इंजन में ऐसे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, और मैं ऑलवेज पीरियोडिक सर्विस जो आती है उसमें मतलब आइदर 10,000 या 12,000 किलोमीटर पे मैं अपना इंजन ऑयल चेंज करवा देता हूँ, कूलेंट बदलवा देता हूँ, या फिर एक साल के अंदर मैं इंजन ऑयल बदलवा देता हूँ। तो वो मैं सिर्फ इंजन में यही कर रहा हूँ, और इसके अलावा और कुछ इंजन में कुछ खास मैं कर नहीं रहा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ सर्विसेज कर नहीं रहा, और मेरी गाड़ी की भी सर्विसेज मैंने एक्स्ट्रा कुछ ऐसी करवाई है नहीं, बस सिर्फ मैं इंजन को अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ। तो उसी की वजह से अभी आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी 12 साल पुरानी होने के बावजूद मुझे अभी 1100 किलोमीटर आराम से खींच के लेके आई, और एक जगह पर भी हीटिंग का इशू नहीं, ना हीटिंग का इशू इंजन में है, ना हीटिंग का इशू टायर में है, ना हीटिंग का इशू किसी मतलब उसकी डिस्क ब्रेक में है, कहीं पर भी मुझे कोई हीटिंग का इशू मिला नहीं है। सिर्फ हाँ जो मेरा सस्पेंशन है वो सस्पेंशन में थोड़ा बहुत आवाज़ रहता है, तो मैं वो मैं ठीक करवाने वाला हूँ। थोड़े ही दिन में मेरे सस्पेंशन नए में डलवा दूंगा इस गाड़ी के, और जितना मैं चलाता हूँ इसको उतना ही मतलब ये मेरे करीब आती जा रही है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर देना, ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहूं। टिल देन अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय।